नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड इंडिया गठबंधन के सामने प्री कंडीशन यानी शर्त रख रही है। शर्त की भाषा में नहीं बल्कि यूं कहा जाए इशारों इशारों में शर्त रख रही है। और शर्त कोई ऐसी शर्त नहीं है जिस शर्त को मानने में इंडिया गठबंधन को दिक्कत हो। इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के जाति जनगणना के मुद्दे को पहले ही करीब करीब हाईजेक कर चुका है। जिस जाति जनगणना के मुद्दे के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर नीतीश कुमार हुआ करते थे, अब वो ब्रांड एम्बेसडर का तमगा कहीं ना कहीं राहुल गांधी के पास जाता हुआ दिख रहा है। और इन सब के बीच नीतीश कुमार की पार्टी के एक बड़े नेता और बिहार सरकार के वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक श्रवण कुमार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी नहीं मारते हैं, वो तो कभी राजद कभी भाजपा उधर चली जाती है और इधर आ जाती है। तो आज ये बात कहने की जरूरत क्यों थी? और इस तरह से तंज यदि उन्होंने राजद पर कसा है तो भाजपा पर भी तो उतना ही कसा है। और इशारों इशारों में ऐसी कौन सी बात कह दी है जो पार्टी कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की को लीड करने वाली पार्टी उसके लिए एक बेहद आसान शर्त के रूप में सामने आ रही है। वो पार्टी जो बिहार में अपने प्रदेश अध्यक्ष को तलाश रही है कि नया प्रदेश अध्यक्ष कब बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, किसे बनाया जाए, वो पार्टी जिसके बिहार में प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ वरिष्ठतम नेताओं में से एक तारिक अनवर मोर्चा खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस पार्टी के समक्ष ऐसी शर्तें जो उसे मानना बेहद आसान हो, आखिर श्रवण कुमार के माध्यम से जेडीयू ने कैसे रखी है? इन तमाम परिस्थितियों पर और देश की राजनीति में यूं कहें कि भूकंप ला देने वाली इस खबर पर सीधे हम चर्चा करने चल रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ऋषि मिश्रा जी आते हैं तो खबरों का पिटारा होता है, और अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने। माना जाता है कि श्रवण कुमार बोलते हैं तो श्रवण कुमार नहीं नीतीश कुमार बोल रहे हैं। नीरज कुमार तो आजकल बोल ही नहीं रहे हैं, कल बोले भी तो पहले का समय होता तो सीधे सीधे बोलते। पूर्णिया अररिया वाली घटना जो हुई थी अमानवीय व्यवहार वाली, उस पर अगर बोलते अगर नीरज कुमार पहले तो यही बोलते कि 2005 के पहले ये होता था वो होता था। कल सिर्फ इतना बोले, देखिए इस तरह की चीजों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ट्विटर वगैरह पे सब चीजें बहुत गंदी चीजें हैं, नहीं करनी चाहिए, इतना बोल करके वो चुप हो गए। और अब श्रवण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही कि नीतीश कुमार तो जहां है 19 साल से वही है, वो कहीं नहीं हिल रहे, वो तो कभी राजद कभी भाजपा पलट जाती है। तंज दोनों के ऊपर था या इशारा उसमें बहुत कुछ था। और सबसे बड़ी शर्त जो रख दी है श्रवण कुमार ने, इंडिया गठबंधन के लोगों को नीतीश कुमार के मुद्दे से यदि इतना ही प्यार है, यानी जाति जनगणना के मुद्दे से इतना ही प्यार है तो जहां जहां वो लोग सत्ता में है वहां कराएं। जबकि हमारे दर्शक जानते हैं ऋषि जी कि कर्नाटक में सिद्धरमैया ऑलरेडी जाति जनगणना करा चुके हैं दशक भर पहले। आप तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने इसी 17 फरवरी 2024 को, अभी से 4 महीने 5 महीने पहले, यहीं पर रेवंत रेड्डी की सरकार नहीं जाति जनगणना कराने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित किया है, जैसे नीतीश कुमार ने किया था, वो जाति जनगणना कराने जा रहे हैं। तो रहा एक हिमाचल प्रदेश, वहां कौन सी बड़ी बात है? राहुल गांधी का मुद्दा है, राहुल गांधी वहां ये शर्त पूरी कर देंगे वहां के मुख्यमंत्री। क्या लगता है, इतनी आसान शर्त यदि इंडिया गठबंधन के सामने रखी है तो क्या है रास्ता हमारा तकना दरवाजा खुला रखना? देखिए अभिषेक जी, एक बात कहूं तो ये तो आपके ही बयान को, आपके ही दिए गए बयान को मुझे लगता है कि श्रवण कुमार ने कॉपी पेस्ट कर लिया है मेरे बयान। हालांकि श्रवण कुमार जी, आप अक्सर कहा करते हैं कि नीतीश कुमार पार्टी गठबंधन नहीं बदलते हैं, पलटवा देते हैं, जैसे रोटी रोटी को पलटा जाता है, विपक्ष परिवर्तन जो आप कहते हैं। और राजनीति में ठीक वही कहावत चरितार्थ होती है, जैसे रोटी को यदि आप नहीं पलटिएगा तो रोटी जल जाती है। कुछ समय बाद जो है नीतीश कुमार विपक्ष परिवर्तन कराते रहते हैं। और श्रवण कुमार ने यदि बयान दिया है तो श्रवण कुमार और नीरज सिंह में अंतर है। श्रवण कुमार बयान दे रहे हैं इसका अर्थ है नीतीश कुमार बयान दे रहे हैं। और श्रवण कुमार गंभीर नेताओं में से आते हैं, जेडीयू के
यदि गंभीर नेताओं की सूची में यदि मुझे 4-5 नेताओं को रखना होगा तो उसमें श्रवण कुमार का भी नाम होगा। और श्रवण कुमार ने यदि कोई बयान दिया है तो यूं ही नहीं दिया, और किसी बयान को आप डिकोड करेंगे, खासकर ऐसे नेता द्वारा दिए गए बयान जो नीतीश कुमार के बहुत काफी करीब हैं, तो उन्होंने एक तरह से शर्त रख दी है कि यदि आप नीतीश कुमार को चाहते हैं, नीतीश कुमार को अपने पाले में लाना चाहते हैं, या आप नीतीश कुमार के पाले में जाना चाहते हैं, तो आपको ये शर्त माननी होगी। यानी जो आप राहुल गांधी का इन दिनों जो है जातीय जनगणना एक मेन एजेंडा बन चुका है, हर जगह आप राहुल गांधी के स्पीच को देखेंगे, चाहे वो कश्मीर जाते हों, चाहे वो इलाहाबाद जाते हों, या किसी भी प्रोग्राम में जाते हों, तो ये बात पूरे दमखम के साथ रखते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और इन मुद्दों पे एक तरह से आपसे कि बीजेपी बैकफुट पे है। जैसे ही राहुल गांधी जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी या नरेंद्र मोदी सरकार को घेरती है, बीजेपी तुरंत बैकफुट पे, एक तरह से राहुल गांधी ने इस मामले को आगे बढ़ा के बीजेपी को अपने जाल में फंसाया हुआ। और इसका रिफ्लेक्शन भी देखने को मिला है लोकसभा चुनाव, जी जो कांग्रेस 100 के आसपास पहुंच गई, 100 एक तरह से 100 पहुंच ही गई, बीजेपी मैजिक फिगर क्रॉस करने में सफल नहीं हुई, तो इन मुद्दों का एक बड़ा भूमिका रहा है। और श्रवण कुमार ने एक तरह से शर्त रख दिया है कि ठीक है, आप नीतीश कुमार के एजेंडा को अपना रहे हैं, नीतीश कुमार जो चाह रहे थे वो अब राहुल गांधी भी चाह रहे हैं, तो आप अपने राज्यों में इसको उनकी एग्जीक्यूट करके दिखाइए। तीन ही यदि राज्यों में आपकी चार, सरकार हाँ, है। 3 राज्यों में सरकार है, तो कर्नाटका में सिद्धरमैया, आपने बिल्कुल सही कहा, तेलंगाना के भी मुख्यमंत्री चाहते हैं जातीय जनगणना नहीं, क्लियर कर दूं, जातीय जनगणना नहीं, कास्ट जातिगत सर्वे। सर्वे, जातिगत सर्वे, क्योंकि जातीय जनगणना कराने का काम केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार कास्ट सर्वे करा सकती है, जो नीतीश कुमार ने भी करवाया है। तो इसके लिए तो कांग्रेस शासित 2 राज्यों ने तो कह ही दिया है, हिमाचल में भी करवा लेंगे, ये कोई बड़ा शर्त नहीं है। और राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना मुश्किल है। और नीतीश कुमार, मैं बार बार कह रहा हूं, बिहार में समय पूर्व चुनाव कराया जा सकता है, या तो महाराष्ट्र और झारखंड के साथ बिहार का चुनाव कराया जा सकता है विधानसभा का, या दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ बिहार का भी विधानसभा चुनाव कराया जा सकता है। यानी जो जो फिक्स शेड्यूल है बिहार विधानसभा चुनाव का, उससे पहले ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रही ऋषि है। जी थोड़ा और अभी मुझे हम डिकोड मुझे करते हैं। ऋषि जी आज की ये खबर दरअसल पटना की राजनीति को हिलाने वाली नहीं है, ये पटना के साथ साथ दिल्ली की राजनीति को भी हिला देने वाली खबर है, जो श्रवण कुमार ने जिस अंदाज में बयान दिया है। अब कभी वो एक जिसके साथ सरकार चला रहे हैं उसके बारे में ये कहना कि कभी ये पलट के आ जाते हैं, कभी वो पलट के आ जाते हैं, मतलब ये कहना एक तरह से आप उनको भी जलील कर रहे हैं जो अभी आपके साथ सरकार चला रहे हैं। ये बयान बिल्कुल तो ऐसे ही नहीं दिया गया है, देखिए, ऐसे ही बयान उन्होंने नहीं दिया है, कभी इधर जा पत्रकारों कभी इधर पत्रकार होते स्वतंत्र हैं। है, हमारे आपके से लोग स्वतंत्र है सब तंज कसने के लिए, लेकिन अगर जिसके साथ सरकार चला रहे हैं वही उन्हीं पर तंज कस रहे हैं तो इसको अभिषेक जी कितने आपने स्वरूप में लिया देखा जाए। होगा, अभिषेक जी आपने देखा होगा, यदि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं तो लालू यादव यानी राजद की जो टीम है वो कहती है नीतीश कुमार पलटू राम है। यदि नीतीश कुमार राजद के साथ है तो बीजेपी तथाकथित उपनाम से नीतीश कुमार को संबोधित करते हैं, पलटू राम है, चाचा का डीएनए खराब है, तमाम ऐसे चीजें आपने देखा होगा पूर्व में। तो मुझे लगता है कि श्रवण कुमार ने जो बातें कही है उससे दोनों घटक को उन्होंने एक तीर से दो शिकार किया है, दोनों घटक को कटघरे में खड़ा कर दिया। नीतीश कुमार जहां है, जहां थे वहीं हैं, 2005 में भी मुख्यमंत्री थे, 2024 में भी मुख्यमंत्री हैं, बदले तो हैं, यदि कोई बदला है तो आप बदले हैं, कभी इनके साथ राजद रही है, कभी कभी बीजेपी रही है। तो श्रवण कुमार ने सदा हुआ बयान दिया है, उन्होंने अपने बयान से बीजेपी को भी लपेट लिया है और राजद को भी लपेट लिया है, और कांग्रेस तमाम विपक्षी पार्टी को भी संकेत दे दिया है, यदि नीतीश कुमार को अपने फोल्ड में चाहते हैं तो पहले आप कम से कम जो नीतीश कुमार का जो एजेंडा रहा है उसको अपने राज्यों में एग्जीक्यूट करके दिखाएं।
लेकिन फिर भी मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि नीतीश कुमार अभी एनडीए में कंफर्ट पोजीशन में है, नरेंद्र मोदी से बेहतर रिलेशन है। ये बात बिल्कुल सही है कि अमित शाह से उनका उतना अच्छा रिलेशन नहीं है जितना नरेंद्र मोदी से है। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का सम्मान भी करते हैं, लेकिन जो नीतीश कुमार का राजनीतिक सामाजिक आधार रहा है वो कहीं ना कहीं एनडीए में रहते हुए वो फुलफिल होते हुए दिख नहीं रही है, चाहे वो जाति जनगणना का हो, उनके चाहे वोट का क्षरण हो रहा है, चाहे वो कास्ट रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे वो वक्फ वोट का मामला हो, जो नीतीश कुमार का जो मेन एजेंडा रहा है वो कहीं ना कहीं फुलफिल होते हुए इस गठबंधन में नहीं हो रहा है, होते हुए नहीं दिख रहे हैं, दिख रहा है। जी ऋषि जी, इसमें एक चीज और समझ में आ रही है, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के संबंध यदि बेहतर है तो नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे के संबंध कहाँ खराब है, नीतीश कुमार और सोनिया गांधी के संबंध कहाँ खराब है, ये तो कभी नहीं। नीतीश कुमार और लालू यादव के संबंध कहाँ कभी खराब है, उनसे ज्यादा गहरे संबंध तो हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत कम लोगों के होंगे जो नीतीश कुमार और लालू यादव के हैं। देखिए मैं अभिषेक जी दो बात कहता हूँ, देखिए यहाँ दो बातें हैं अभिषेक जी, नीतीश कुमार का एजेंडा इंडिया गठबंधन में रहते हुए फुलफिल होते हुए दिख रहा है, लेकिन नीतीश कुमार का जो आधार वोट है वो MY के साथ, खासकर MY में Y के साथ एडजस्ट करते हुए नहीं दिख रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन और वोट नहीं हो पाता है। ऋषि जी, इसमें एक सवाल ये उठता है, 2015 का चुनाव दोनों साथ साथ लड़े, और जब चेहरा नीतीश कुमार का लग जाता है तो वो एडजस्ट कर जाते हैं। हाँ, तेजस्वी यादव का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर लग जाए तो वोटर भाग जाएगा, लेकिन जब नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे ये कह के लड़ा जाता है चुनाव, तब वो वोटर कहाँ भागता है, तब तो पूरी मजबूती से कि इधर रहे उधर रहे, हमारे हितों का संरक्षक वहां मौजूद है, ये फीलिंग होती है। दूसरी चीज, पिछड़े वर्ग के लोग, मुझे जेडीयू के एक नेता बता रहे थे कि हम लोग गांव में जा रहे हैं तो वोटर पूछ रहे हैं कि अरे महाराज जी, जाति जनगणना काहे के लिए करवाए हैं, अलमारी में पोथी बनाकर रखने के लिए करवाए हैं, कि कुछ कीजिएगा भी, आरक्षण आरक्षण बढ़ाइएगा इस पर। नहीं तो आपसे ही मेरा एक सवाल है अभिषेक जी, तो जातीय जनगणना यदि इतना बड़ा मुद्दा है तो तेजस्वी यादव अपने घर में क्यों बैठे हुए हैं? नीतीश कुमार जातीय जनगणना जातीय सर्वे आपने करवा दिया, आपके बलबूते केंद्र में सरकार है, तो आप केंद्र सरकार पे दबाव क्यों नहीं बना रहे हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो, जो नीतीश कुमार का एजेंडा रहा है। तो और जातीय जनगणना भाजपा वाले वही चीज कह रहा हूँ, तो फिर नीतीश कुमार भी तो कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं कि वो नाराज हैं बीजेपी से। यही सवाल तो ऋषि जी हम आपसे कर रहे हैं कि आज क्या पहला बीच में श्रवण कुमार के माध्यम से दिया गया है, क्या ये पहला इंडिकेशन है आज का? अरे कांग्रेस तो तैयार ही है कि पूरे हिंदुस्तान में जातीय जनगणना कराया जाए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अपने राज्यों में पहले एग्जीक्यूट करके दिखाए, तो अपने राज्यों में वो कास्ट सर्वे करा सकते हैं, कास्ट सेंसस नहीं करा सकते हैं। हाँ, तो जैसे वही बात तो कहा है ना श्रवण कुमार ने, कि जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने कास्ट सर्वे कराया, आप अपने राज्यों में कराइए, तो वो तीन में दो राज्यों में तो कर चुके, अब सिर्फ हिमाचल ही तो बचा हुआ है, इतनी आसान शर्त क्यों रखे हैं जो मानने जा रहे हैं वो? देखिए, यदि किसी दो बड़े नेता में या किसी दो बड़े पॉलिटिकल पार्टी में यदि इस किसी भी छोटे विषय को लेकर यदि कंफ्यूजन है तो वो पर्दे के पीछे बातचीत होती है। नीतीश कुमार ने मन बना लिया होगा कि एनडीए से हमको बाहर जाना है और एनडीए में रहते हुए हमारा जो तमाम एजेंडा है वो लागू होते हुए वो नहीं दिख रहे हैं, तो कभी भी भाग सकते हैं, इसमें कोई एक दो राय नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा कोई इंडिकेशन भी तो नहीं दे रहे हैं। हाँ, कभी कभी वो बीजेपी के मंत्री को छोड़ देते हैं, कभी कभी ऐसा कुछ इंडिकेशन दे देते हैं जिससे हम लोगों को लगता है। ऋषि जी, मेरा सवाल यही है, इसको थोड़ा गौर से सुनिए, क्या आज श्रवण कुमार के माध्यम से पहला संकेत या पहला फिलर भेजा गया है? देखिए, मैंने तो इनिशियल स्टेटमेंट में कहा ही, ये एक इंडिकेशन हो सकता है, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है कांग्रेस के लिए। ये नीतीश कुमार भी जानते हैं और श्रवण कुमार भी जानते हैं, ये तो एजेंडा है राहुल गांधी का। राहुल गांधी तो जानते हैं कि इसी में एक सवाल इस एजेंडा को, मेरी बात सुन तो लीजिए, मैं इस अच्छा सवाल पहले सवाल कर लीजिए तो साथ में जवाब। सवाल इसी में ये है कि जब किसी को नहीं जाना होता है तो कड़ी शर्त रखता है जो पूरी ही ना हो पाए, लेकिन जब जाना होता है तो हल्की शर्त रखता है, तो क्या आज हल्की शर्त रख दी गई है? देखिए, पहली बात
ये कोई बड़ी समस्या नहीं है कांग्रेस के लिए। यदि नीतीश कुमार का ये कोई शर्त है तो कांग्रेस के लिए कोई बड़ा ये कोई बड़ा समस्या नहीं है कांग्रेस के लिए कि ये माना नहीं जा सकता है। हिमाचल में भी भाई कास्ट सेंसस कास्ट सर्वे करा सकती है कांग्रेस, कोई बड़ी बड़ा इशू नहीं है। और ये तो कांग्रेस का मुख्य एजेंडा है जातीय जनगणना, और जैसे ही कांग्रेस जातीय जनगणना को लेकर आती है बीजेपी तिलमिला जाती है। ये बीजेपी वही भाषा बोलती है कि भाई अपने राज्य में क्यों नहीं लागू करते हैं। तो भाई कांग्रेस ने तो कम से कम अपने राज्यों में सर्वे कराया, तो 2011 में मनमोहन सिंह ने सर्वे करवाया, कास्ट सेंसस करवाया, तो हाँ ठीक है रिपोर्ट नहीं आया। देखिए क्योंकि देखिए एक बात दर्शकों को स्पष्ट कर दूं, रिपोर्ट आते आते 14 हो गई और इनकी सरकार चली गई। जो पूरा रिपोर्ट का रूपरेखा तैयार होते होते उसके बाद आप मोदी जी आए, के अंडर में सेंसस कमिश्नर होता है राजनाथ सिंह, उस पर कुंडली मार के बैठ गए, फिर कुंडली मार के बैठ गए। तो ये जो आम लोगों के बीच में धारणा बन गया है, क्योंकि आम लोग जो है गोदी मीडिया देखते हैं, गोदी मीडिया में जो है एंकर जो है बीजेपी के प्रवक्ता को अधिक समय देते हैं बोलने के लिए, जैसे ही अपोजिशन को कोई प्रवक्ता आ गया तो टोका टोकी शुरू हो जाता है। मैं दर्शकों का स्पष्ट कर दूं कि 2011 में जो जातीय जनगणना हुआ उसका पूरा रूपरेखा तैयार होते होते 2014 में चुनाव हो गया, मनमोहन सिंह की सत्ता चली गई। यदि मनमोहन सिंह 2014 में रिटेन होते तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो जातीय जनगणना का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में होता जी। तो मनमोहन ये कांग्रेस का जो एजेंडा है, जैसे ही राहुल गांधी इस पे एग्रेसिव अप्रोच अपनाते हैं नरेंद्र मोदी की स्थिति कमजोर हो जाती है। एक एक तरफ सामाजिक लड़ाई, वो क्या कहते हैं सामाजिक समरसता की लड़ाई, और दूसरी तरफ इनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हिंदुत्व का फॉर्मूला इनके सामने में फेल होते हुए दिख रहा है। और इसका रिफ्लेक्शन आपको 24 के जो चुनावी नतीजे आए उसमें स्पष्ट दिखता है बिल्कुल। और नीतीश कुमार तो मुझे लगता है कि अभिषेक जी आप मेरे बात से सहमत होंगे, यदि इंडिया गठबंधन में रहते और जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन का स्वरूप का सपना नीतीश कुमार ने देखा था और शुरुआती मीटिंग में जो मोमेंटम मिला था, यदि वो मोमेंटम चुनाव तक रह जाता तो आज भारतीय राजनीति की प्रगति कुछ और होती। हो सकता था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री हो जाते, हो सकता था नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री हो जाते। तो नीतीश कुमार ने तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारा जी। कांग्रेस पार्टी की चर्चा चल रही है कि इंडिया गठबंधन की लीड पार्टी के सामने, या यूं कहें इंडिया गठबंधन के सामने सवर्ण कुमार के माध्यम से जेडीयू ने आज बड़ी हल्की शर्त रखी है कि आप कराइए, अगर नीतीश कुमार के मुद्दे से या नीतीश कुमार से इतना ही प्रेम है तो कराइए जाति सर्वे जैसे बिहार ने कराया। और ऐसी शर्त रखी है जो शायद सवर्ण कुमार, देखिए पुराने मंत्री है, जानकारी में तो जरूर होगा कि एक राज्य में करा चुकी है, एक राज्य में करा रही है, और एक हिमाचल प्रदेश में करा लेना उसके लिए बेहद छोटा काम है, 68-70 लाख आबादी ही है, उसमें कौन सी बड़ा काम है, वहां पे 5 दिन में हो जाएगा सर्वे। सवाल ये है कि इतनी आसान शर्त रखना जिसमें राहुल गांधी भी खुश, नीतीश कुमार भी खुश कि देखो भाई हमारी शर्त तो वही मान रहा है, ये कहां मान रहे हैं। तो जब कोई गठबंधन छोड़ना होता है तो एक बहाना बनाया जाता है। देखिए मैं एक बात कहूं, जातीय जनगणना को लेकर एनडीए में भी कंफ्लिक्ट है। चिराग पासवान ने क्या कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जेडीयू का रुख आप पहले से जानते हैं। जीताराम मांझी ने भी इसके पर जीताराम मांझी ने भी कहा है जातीय जनगणना होनी चाहिए। जहां तक चिराग पासवान को लेकर खबर है कि पूर्व विधायक, बीजेपी के पूर्व विधायक ने एक केस दायर किया है उनके चुनावी हलफनामे में गलत इंफॉर्मेशन देने को लेकर, ये भी चर्चा कल पटना के राजनीतिक गलियारों में जोरों पर है। और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ गलत तथ्य चुनाव आयोग के सामने में रखा है। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या इस पर कार्रवाई होती है, यदि कार्रवाई होगी तो उनकी संसद सदस्यता भी जा सकती है। तो बिहार के देखिए मेरा ये मानना है कि जातीय जनगणना को लेकर एनडीए में भी मतांतर है, और यूपी में भी कई जो एनडीए के घटक हैं, चाहे वो संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, तमाम नेताओं का तो ये कहना ही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और 5 दिन पहले आपने देखा कि दैनिक भास्कर में ये रिपोर्ट छपी थी कि सरकार जनगणना करा रही है, कराना चाहती है, लेकिन जातीय जनगणना नहीं।
तो आने वाले जो दिन, आने वाले जो पॉलिटिकल सिनारियो होगा अभिषेक जी, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। हो सकता है कि एनडीए के कई घटक जो है इधर से उधर हो जाए। ऋषि जी, आपने कांग्रेस पार्टी के समक्ष रखी गई कथित शर्तों की बात की, लेकिन बिहार में कांग्रेस पार्टी में उठापटक जारी है। प्रदेश कमेटी बनाने के लिए दैनिक भास्कर में आज खबर छपी है कि प्रदेश अध्यक्ष चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने मंजूरी नहीं दी। तारिक अनवर, जिनका टिकट कटते कटते बच गया था, इन मौके पर एक मेडिकल कॉलेज वाले टिकट ले लेना चाहते थे, और कहा जा रहा है वो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से तब से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने तो मीडिया में बयान देकर खुलेआम कह दिया कि उनको संगठन चलाने का कोई अनुभव नहीं है। अखिलेश सिंह के बारे में दैनिक भास्कर में वो भी छपा है, प्रदेश अध्यक्ष बदलना कांग्रेस पार्टी में अवश्यम भावी दिखाई दे रहा है, क्योंकि तारिक अनवर बोले हैं या आला कमान से किसी का निर्देश हुआ है कि आप बोलिए, ताकि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की कांग्रेस में बुनियाद तैयार हो। नीतीश कुमार भी अखिलेश सिंह को पसंद नहीं करते हैं, ये बात सभी जानते हैं, सभी जानते हैं, एवरीवन इन बिहार पॉलिटिक्स। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, नीतीश कुमार अखिलेश सिंह को पसंद नहीं करते, तो कांग्रेस पार्टी के साथ यदि नीतीश कुमार आएंगे तो स्वाभाविक है कि अखिलेश सिंह को वहां जगह नहीं मिलेगी, वहां उनको जरूरत होगी अपने मन पसंद अध्यक्ष की, जो उनके महादलित जनाधार में भी चोट ना करे, लालू यादव के जनाधार को भी चोट ना करे। रंजीत रंजन तो नहीं बनाई जाएंगी, क्योंकि अंततः उन पर यादव पॉलिटिक्स ही जाकर के जोड़ने की कोशिश होगी उनसे। तो आज की तारीख में क्या लग रहा है कि तारिक अनवर का बयान बिहार कांग्रेस में परिवर्तन की एक भूमिका तैयार कर रहा है, या तैयार हो चुकी भूमिका का सार्वजनिक रिफ्लेक्शन है? देखिए तारिक अनवर उन नेताओं में शुमार होते हैं जिनका कद शरद पवार जैसे नेताओं के साथ तुलना होता है, और तारिक अनवर जब अखिलेश सिंह, हमको लगता है युवा कांग्रेस में भी नहीं रहे होंगे या राजद में विधायक भी नहीं होंगे उस समय, मुझे लगता है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। एग्जैक्ट डेट आप बताएंगे क्योंकि आप डाटा मास्टर हैं। 89 के लोकसभा चुनाव में तारिक अनवर अध्यक्ष थे, सत्येंद्र नारायण सिंह मुख्यमंत्री थे। बताइए जो व्यक्ति 1989 में बिहार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हो, उस समय अखिलेश सिंह, मुझे लगता है कि राजनीति में उनकी एंट्री भी हुई होगी। 89 में अखिलेश सिंह का नाम भी नहीं था, मुझे याद भी नहीं है। 90 के सभी नेताओं को मैं जानता हूँ, पप्पू यादव उसी समय विधानसभा पहला विधानसभा पहली बार विधायक बने अखिलेश सिंह। हाँ, तो तारिक अनवर ने यूं ही बयान नहीं दिया होगा। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मल्लिका अर्जुन खड़गे जो वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अखिलेश प्रसाद सिंह के रवैया से काफी नाराज हैं, और अखिलेश प्रसाद सिंह अब तक बचे हुए हैं उसका एक कारण है वेणुगोपाल जी, किसी वेणुगोपाल है, उनका आशीर्वाद अखिलेश सिंह को मिला हुआ है जिसके कारण बचे हुए हैं। और अखिलेश सिंह का भी नाम लिया जाता है, भूपिंदर सिंह हुड्डा। देखिए अखिलेश सिंह रिलेशन बनाने में बहुत बहुत खिलाड़ी आदमी है। आप देखिए वो गांधी हुड्डा तो छोड़ दीजिए, नहीं बना पाए राहुल गांधी तक। अब देखिए मैं सुन तो लीजिए ना, अब ये इतने ही उस्ताद हैं कि सीपी जोशी से भी इनके अच्छे संबंध है। सीपी जोशी यहाँ जयपुर में कोई छोटा सा छोटी सी कोई फेस्टिवल होता है, उनके यहाँ कोई फंक्शन होता है, तो सबसे पहले ये पहुंचे होते हैं, ये इनके पुत्र। तो ये जितने भी बड़े नेता हैं उनसे इनके अच्छे रिलेशन हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप ऐसे अध्यक्ष को कब तक ढोते रहेंगे जो पार्टी को विस्तार देने में अब तक सक्षम नहीं रहे। आप देखिए जिन 5 जिला अध्यक्षों को ये बदलना चाहते हैं उसमें एक जिला अध्यक्ष महाराजगंज के जिला अध्यक्ष का नाम है, छपरा के अजय, महाराजगंज छपरा जो भी है, अब क्यों जिला नहीं है, छपरा जिला, हाँ छपरा, तो छपरा के जो जिला अध्यक्ष उनको क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव में उस जिला अध्यक्ष ने किसी स्थानीय उम्मीदवार को कैंडिडेट बनाने की सिफारिश की थी, उनके पुत्र के नाम का उन्होंने सिफारिश नहीं किया था, और जिला अध्यक्ष का कहना सही था कि किसी स्थानीय को यदि आप टिकट देंगे तो वो बेहतर फाइट दे सकता है, इसलिए अखिलेश प्रसाद सिंह नाराज है उनसे। अब 4 अन्य जिला अध्यक्ष कौन कौन है, शायद सीमांचल से है, उनसे क्या इक्वेशन उनका खराब हो गया ये मेरे जानकारी में नहीं है, लेकिन ये छपरा वाली जानकारी, क्योंकि दैनिक भास्कर में भी एक खबर छपा है कि उस जिला अध्यक्ष ने उनके पुत्र के नाम का सिफारिश नहीं किया था। सवाल उठता है, राहुल गांधी से मेरा सवाल है, सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे से है, प्रियंका गांधी से है, केशु वेणुगोपाल साहब से है, कि खून पसीना एक करे कार्यकर्ता, लाठी खाए कार्यकर्ता,
इस तपती गर्मी में पसीना बहाए कार्यकर्ता और मौज मारे नेता पुत्र। इस पटना में जो अभी जो प्रोटेस्ट मार्च हुआ है उसमें आकाश सिंह थे क्या या मीरा कुमार के पुत्र थे क्या? यदि मैं गलत हूं तो आप कंफर्म कीजिए, अंशुल अभिजीत थे क्या जी? या आकाश सिंह थे क्या? तो ये सवाल राहुल गांधी से है, आप पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं, पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और आप ऐसे व्यक्ति को पार्टी का कमान दे रखे हैं जो पुत्र मुंह में फंसा हुआ है। क्योंकि देखिए अब ये दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी स्वाभाविक है जो लालू यादव और नीतीश कुमार न सिर्फ लालू यादव के प्रति झुका हुआ हो, कांग्रेस की तरफ से असर्ट भी कर सके और लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों को साध सके, ये चेहरा दिखाई दे रहा है। मुझे बोलने तो दीजिए, अरे भैया मुझे बोलने तो दीजिए, ये अखिलेश प्रसाद सिंह जो है पिछले बार 2019 में भी क्षमता से अधिक उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को सीट दिला दिया, क्यों? क्योंकि आकाश सिंह को मोतिहारी से एडजस्ट करना था और आपने देखा भी आरएलएसपी के टिकट पर आकाश सिंह चुनाव लड़े, चुनाव वहां भी हार गए। और मैं ये कह रहा हूं कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, खुद के सीट नहीं निकाल सकते हैं, तरारी से भी चुनाव लड़े थे या इनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी, क्या हुआ हालात क्या हुआ? तो कांग्रेस में इनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, इनके बेटे चुनाव लड़ेंगे और कार्यकर्ता कहां जाएंगे? ऋषि जी मैं एक एक कर गिनवा देता हूँ, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ फिर आप बोलिएगा। आज पप्पू यादव कांग्रेस में होते तो कम से कम सीमांचल और आसपास के क्षेत्रों में कांग्रेस को मजबूती मिलती, नंबर वन। कन्हैया कुमार यदि बेगूसराय से चुनाव लड़ते, हार जीत का दावा मैं नहीं कर सकता हूँ कि मैं ब्रह्मा जी तो हूँ नहीं मोदी जी की तरह, लेकिन मुझे पूर्ण रूप से आशा है कि वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ते, वहां पार्टी को मजबूत करते बेगूसराय में। इसी तरह बेतिया में शाश्वत केदार पांडे को टिकट मिलता क्योंकि तमाम सर्वे में शाश्वत का नाम सबसे ऊपर था। आपने अपने जिद में, क्योंकि शाश्वत आपके सामने में सष्टांग नहीं हुआ बेचारा, शाश्वत की यही गलती थी कि शाश्वत अखिलेश सिंह के दरबार में सष्टांग नहीं हुए, उनको चाचा भैया नहीं कहा। अरे भैया चाचा भैया आपको नहीं कहेगा तो आप टिकट नहीं देंगे? ये राहुल गांधी की कांग्रेस है, सोनिया गांधी की कांग्रेस है या अखिलेश प्रसाद सिंह का कांग्रेस है? जी। सर्वे में जिसका नाम होगा उसको आप टिकट नहीं देंगे क्योंकि आपके सामने वो व्यक्ति सष्टांग नहीं होगा। तो तमाम ऐसे ऐसे जीते हुए सीट कांग्रेस जानबूझ के हारी है क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह का रवैया इन तमाम नेताओं के विरुद्ध नेगेटिव रहा है। ऋषि जी एक मेरा सवाल राहुल प्रियंका से है कि जब आपसे मिलने के बाद पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए तो ये अखिलेश प्रसाद सिंह और लालू यादव कौन होते हैं? ऋषि जी एक मिनट, आपने जो कहा चुनाव की ये हारे, इनकी पत्नी हारी, बेटे हारे, मैं आपको बता दूं 2000 का विधानसभा चुनाव और 2004 का मोतिहारी का लोकसभा चुनाव ये आखिरी सक्सेस है, चुनावी सक्सेस अखिलेश सिंह का। उसके बाद देखिए 2005 में इनकी पत्नी विधानसभा चुनाव हारी, 2010 में ये खुद विधानसभा चुनाव हारे, 2009 में ये खुद लोकसभा चुनाव हारे, फिर 2014 में मुजफ्फरपुर से खुद लोकसभा चुनाव हारे, फिर 2015 में तरारी का चुनाव खुद हारे, दो बार से बेटे हार रहे हैं, तो 7-8 हार तो आपको सामने दिख रही है लगातार, और फिर इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष बना रही है। या तो आप बहुत बड़े संगठन करता होते जैसे कुशल भाजपा में, मैं यही आपसे भी सवाल कर रहा हूँ। देखिए आप बड़े पत्रकार हैं, दिल्ली में तमाम नेताओं को जानते हैं, आप लुटियंस के बड़े नेताओं से आपके अच्छे संबंध हैं। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी से सवाल करना चाहता हूँ, प्रियंका जी से सवाल करना चाहता हूँ, जब पप्पू यादव को लेकर पार्टी में ये मत बन गया कि पप्पू यादव की पार्टी का विलय कांग्रेस में होगा और पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, तो कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो पर्दे के पीछे लालू यादव से मिलकर खेल कर दिया? यही हालात तारिक अनवर का था। तारिक अनवर यदि नहीं लड़ते अपने लिए तो तारिक अनवर आज कटिहार कांग्रेस लूज कर गई होती जी। तारिक अनवर जैसे नेताओं को अपने अपने टिकट के लिए लड़ना पड़ा। तो सवाल ये उठता है कि आपने जो पूछा, अरे 4-5 नाम तो आपके सामने हैं, प्रेमचंद मिश्रा को बना दीजिए ना, इतने वफादार आपके आदमी पार्टी का, आज से वो व्यक्ति नहीं है, एनएसवाई के टाइम से है।
मधुबनी में, मधुबनी 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 में वो एनएसवाई के बचपन से एनएसवाई के वो नेता थे, जब बहुत 10th 12th में थे तब से वो नेता थे एनएसवाई के। अरे भैया वो प्रेमचंद, प्रेमचंद मिश्रा के सपाटी रहे हैं मुकुल वासनिक, प्रेमचंद मिश्रा के सपाटी रहे हैं तमाम बड़े जो जनरल सेक्रेटरी हैं। आज प्रेमचंद मिश्रा क्या है बेचारे की बेचारे का गलती क्या है? आपके पास मदन मोहन झा जैसे एमएलसी की सीट कांग्रेस लड़ी नहीं, बताइए उनके पास नंबर भी थे करीब करीब, एक दो कम थे, और उस सीट पर कैंडिडेट का अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ, प्रेमचंद मिश्रा रिटायर हो गए। मतलब दिल्ली को पटना की कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को सूचना भी नहीं दिया कि यहाँ सीट खाली हो रही है, कैंडिडेट देना है। देखिए अनिल शर्मा जैसे पुराने, अनिल शर्मा जैसे पुराने नेता छोड़ चले गए, मदन मोहन झा है बेचारे, इतने अच्छे नेता आपके पास हैं, लेकिन एक उम्र का पड़ाव भी है। मेरा उनसे पर्सनल बात भी हुई, बेचारे बोले कि नहीं मैं अब अध्यक्ष नहीं बनना चाहता हूँ, एक उम्र का पड़ाव है। अच्छा चलिए कांग्रेस आप किसी बहुत आप किसी युवा चेहरा को बना दीजिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति को दीजिए कि जो सबको लेकर चले। मैं 2 सेकंड लूंगा फिर आप अपने अपने नए सवाल पे आइएगा कि यदि अखिलेश प्रसाद सिंह को अध्यक्ष पार्टी ने आपको अध्यक्ष बना दिया तो आपकी जिम्मेवारी है कि सबको लेके चले, क्या गुटबाजी करेंगे पार्टी में कि ये मेरे गुट का है तो ठीक है, ये नहीं मेरे गुट का नहीं है तो इनको दरकिनार कर दो। आज मधुबनी वाले शकील अहमद कहाँ है जी? तो ये तो राहुल गांधी को देखना होगा ना कि बिहार में क्या हो रहा है, और जब तक बिहार और यूपी में आप मजबूत नहीं होंगे तब तक राष्ट्रीय फलक पर जो सपना आप सोच रहे हैं वो सपना साकार नहीं होने जा रहा है राहुल गांधी जी आपका। जी जी खैर ऋषि जी, कांग्रेस पार्टी पर हम लोगों ने बहुत चर्चा की, कांग्रेस पार्टी को किसे अध्यक्ष बनाती है उसका आंतरिक मामला है, लेकिन बिहार में अध्यक्ष के खिलाफ विरोध के स्वर उठ रहे हैं, पत्रकारों के साथ भी उनका रिश्ता ठीक नहीं है, लेकिन तमाम विधायक नाराज हैं, तमाम विधायक नाराज हैं उनसे। जी अच्छा, एक नाराजगी के बीच एक ये तस्वीर आ रही है, देखिए हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं, ये तो पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान के चाचा और गृह मंत्री अमित शाह गुलदस्ते के साथ। अब बताइए इस तस्वीर के सियासी निहितार्थ क्या है, इसके पीछे छिपे हुए मंतव्य क्या है? देखिए अमित शाह ने अपने हाथों में बिहार का बागडोर ले लिया है, ऐसे ही पशुपति पारस की मुलाकात अमित शाह से नहीं हुई है, अमित शाह के दरबार में उन्हीं को हाजिर किया जाता है, चंपई सोरेन हो पशुपति पारस हो, और पशुपति पारस को यह आश्वासन दिया गया है कि आपको 10-12 सीटें हम विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए देने जा रहे हैं, और 10-12 सीटें यदि पशुपति पारस को मिलने जा रहा है तो इसका सबसे बड़ा दर्द किसी को होगा तो चिराग पासवान को, और चिराग पासवान का इन दिनों जो भाषा है वो भाषा विपक्ष के जो नेता बोल रहे हैं वही चिराग पासवान बोल रहे हैं, चाहे बकवोट का मामला हो, क्रीमिलियर का मामला हो, कोटा विदिन कोटा का मामला हो, या जातीय जनगणना का मामला हो, जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, जो तमाम विपक्ष के नेता बोल रहे हैं वही चिराग पासवान बोल रहे हैं। अरे भैया आपको इन विषयों को लेकर मतांतर है केंद्र सरकार से तो आप प्रॉपर फोरम पे बोलेंगे या मीडिया डोमेन में आके बोलेंगे, पब्लिक डोमेन में आके बोलेंगे, मीडिया के सामने में रखेंगे, और मीडिया के सामने रखेंगे तो केंद्र सरकार अपने आप को असहज महसूस करेगी, तो आप किसको असहज करना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को, तो नरेंद्र मोदी को असहज करेंगे तो अमित शाह है ना भैया, बुला लिए उन्होंने पशुपति पारस को दिल्ली, आ जाओ भैया थोड़ा इनको शांत करो जी। नहीं लेकिन एक चीज और है, चिराग पासवान की अपनी एक स्वतंत्र पार्टी है, उनकी एक स्वतंत्र राय है, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से क्यों सहमत हो? जब गठबंधन बनता है कोई भी तो सभी दल अपने अपने विवादित एजेंडे को बाहर करते हैं, जैसे एनडीए में बताइए आपको याद है, आप ये बताइए, छोड़िए मैं आपका सवाल समझ गया, एनडीए कन्वेनर कौन है बताइए तो हमको? जॉर्ज फर्नांडिस के बाद शरद यादव बने थे, फिर प्रकाश सिंह बादल बने, सब लोग उसके बाद दुनिया से चले गए, उसके बाद तो भी तो ये चिराग पासवान किसके सामने में रोएंगे? किसके सामने में? आप जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि वर्तमान में जो बीजेपी है वो अटल आडवाणी वाली बीजेपी है, जो एनडीए प्रकाश सिंह बादल ये तमाम नेताओं का नाम लिया हुए उस समय के संयोजक थे, अब जो बीजेपी कहेगी वो तमाम छोटे घटक दलों को मानना होगा,
और नहीं मानिएगा तो ऑपरेशन लोटस कर देंगे, ध्यान रखिए। हाँ नहीं मानिएगा ऑपरेशन लोटस कर देंगे। नीतीश कुमार नहीं है कि बार बार आपको झटका देंगे और नीतीश कुमार बचा लेंगे, वो जेडीयू को बचाएंगे। तमाम छोटे पार्टी की ये औकात नहीं है कि आप जो अमित शाह कहेंगे या नरेंद्र मोदी कहेंगे उसमें हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे तो फिर ऑपरेशन लोटस भी होगा। पशुपति पारस को यूं ही बुलाया गया है। अच्छा जी, ऑपरेशन लोटस चिराग की पार्टी में कामयाब हो जाता है, नीतीश कुमार की पार्टी में करने की कोशिश हुई थी, उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही अपनी तरफ कर लिया गया था, भाजपा में शामिल भी हो गए थे, लेकिन वहां कामयाब नहीं हो पाया। एक बार तो जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, करने की कोशिश हुई थी, लेकिन सारे विधायक राष्ट्रपति भवन में परेड करने चले गए, 100 के करीब विधायक जेडीयू के। नीतीश कुमार का जाना पड़ा। अरे भैया नीतीश कुमार के जो गुप्तचर एजेंसी है, कौन सा जड़ी रखे हैं नीतीश कुमार जो सुहा देते हैं अपने नेताओं को? नीतीश कुमार का जो गुप्तचर एजेंसी है और उसके सामने रॉ भी फेल है, वो CIA क्या होता है अमेरिका का, वो भी फेल है। पता कर लेते हैं कि आज 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 जो RCP सिंह क्या खाना खाए हैं, क्या महसूस करते हैं, वो नीतीश कुमार को मालूम होता है। अच्छा आप देख लीजिए, एक मिनट देखिए, आज इन दिनों देखिए कि भुजा पार्टी के जो तमाम जो सदस्य हैं वो आज नीतीश कुमार के आसपास नहीं दिख रहे हैं। तो नीतीश कुमार को थोड़ा भनक लगा होगा, उनके गुप्त एजेंसी ने अलर्ट किया होगा, भैया साहेब इनका तो फन्ना आदमी जरा देखे हैं, तुरंत कहेंगे उसको दूर करो भाई, मनीष वर्मा को ले आओ। नीतीश कुमार में यह है कि आपसे प्रेम भी बहुत करते हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार में यह है कि यदि वादा खिलाफी किए, तुम मुझे नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, यदि किसी गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगा, यही नीतीश कुमार का फॉर्मूला है। ललन सिंह को छोड़कर एक्सेप्शन जो है ललन सिंह का, ललन सिंह थोड़ा दूसरे को भी चाहने लगते हैं तो नीतीश कुमार कहते छोड़ दो, इससे दूसरा केमिस्ट्री है मेरा। एक चीज बताइए ऋषि जी, हम आखिरी सवाल पर आ रहे हैं, कौन सी बिहारी भाषा में कहते हैं जड़ी सुहा के किसी को पोट लेना, कुछ खिला पिला के पोट लेना, लोग कहते हैं ना कि अपने तरफ जो है कर लेना खिला पिला के, कौन सी जड़ी नीतीश कुमार रखे हैं जो कभी तेजस्वी यादव को सुहा देते हैं वो लट्टू हो गए, कभी भाजपा वालों को सुहा दिए वो लट्टू हो गए, चिराग पासवान भी जाके पैर छू रहे हैं, कांग्रेस वाले लोग तो हमेशा से चाहते हैं कि नीतीश कुमार उनके साथ रहे, ये क्या चीज है? पहले तो सुनते थे कि माथा में गमछा बांध के कि कोई पहचाने नहीं, सीएम थे जब, अभी भी सीएम है, पहले जब आज की तुलना में पटना शहर में निकलना ज्यादा आसान था तो मुंह बांध के बाइक पर बैठ करके जो है और निकल लेते थे किसी को बैठा करके जो है बाइक पर घूमने की, पटना में घूम के आते हैं क्या चल रहा है, ये नीतीश कुमार है, और कोई पहचान भी नहीं पाता था कि हीरो होंडा स्प्लेंडर से निकले हुए हैं मुख्यमंत्री, कोई नहीं देख पाता था क्योंकि मुंह हाथ बांध करके निकलते थे। अब तो स्वाभाविक है कि अब इस उम्र में वो नहीं करते होंगे, इस उम्र में बाइक चलाने का एडवेंचर तो नहीं करेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री है। अब सवाल उठता है कि वो कौन सी जड़ी है जो सुहा के किसी को अपने पक्ष में कर लेते हैं। वो तेजस्वी यादव अभी भी देखिए उनकी पार्टी अग्रेसिव नहीं है, प्रशांत किशोर कहते हैं कि आप लोग नहीं जानते हैं नीतीश कुमार को कि वो क्या चीज है, हम रहे सीएम हाउस में हम जानते हैं, ये प्रशांत किशोर का कहना है। देखिए नीतीश कुमार एक ऑप्शन हमेशा लेके चलते हैं, एक ऑप्शन एक 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 जो मतलब दरवाजा होता है वो हमेशा खुला छोड़ कर रखते हैं कि यदि इधर से, देखिए नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है जैसे ही वो गठबंधन बदलते हैं या बदलवाते हैं तो उसी समय नेक्स्ट ऑप्शन तैयार रखते हैं, जैसे वो राजद के साथ आए तो एक उसी समय फिर एक ऑप्शन खुला हुआ होता है। और आपने देखा भी है, देखा भी होगा कि जब ये बीजेपी के साथ आए तो लालू यादव ने कहा है कि नीतीश के लिए हमेशा दरवाजा खुले हुए हैं। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार अपने अलावा किसी पे विश्वास नहीं करते हैं। देखें पटनायक का क्या हुआ? नहीं, एक चीज बताइए हमको, एक लाइन में बताइएगा, आप अगर किसी व्यक्ति को एक बार रस्टिकेट कर दीजिए, एक बार उसे हटा दिए, दोबारा कहेगा ना बहुत खराब आदमी है, इनके साथ कभी नहीं जाएंगे। ये भाजपा को हटा दिए, भाजपा वाले आने के लिए बेचैन, ये राजद को हटा देते हैं, राजद वाले आने के लिए बेचैन, ये बड़ा आश्चर्य है ना। देखिए इसी को कहते हैं जड़ी सुहाना कि क्या है आखिर ये। देखिए बिहार की राजनीति ऐसी है, नीतीश कुमार सब्जी में जैसे आलू होते हैं ना, वही राजनीति में नीतीश कुमार है, किसी भी सब्जी के साथ फिट बैठ जाते हैं, जैसे आलू 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 को बैगन के साथ मिला दीजिए,
आलू को परवल के साथ मिला दीजिए, आलू को भिंडी के साथ मिला दीजिए, तो आलू हर जगह एडजस्ट हो जाता है। वही स्थिति है, राजद बीजेपी के साथ जा नहीं सकती है, या बीजेपी राजद के समर्थन से सरकार बना नहीं सकती है, कांग्रेस बीजेपी के साथ जा नहीं सकती है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ नीतीश कुमार के साथ बीजेपी भी जा सकती है, नीतीश कुमार के साथ आरजेडी भी जा सकती है, कांग्रेस भी जा सकती है और लेफ्ट भी जा सकती है। यही बात तो आज कहे यही नीतीश कुमार जो है राजनीति के आलू है। वो वैसे राजनीति में लालू को आलू कहा जाता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार जो है राजनीति के आलू है, कहीं भी फिट बैठ जाते हैं। अब आप राजदीप और दूसरी बात, लालू यादव की जो क्लिप वायरल होती है उसकी याद दिला रहे हैं कि जब तक समोसे में आलू है तब तक बिहार में लालू है। तो और एक बात, मैं सीरियस नोट पे कहूँ, नीतीश कुमार किसी भी विश्वास नहीं करते। जो आज पटनायक का हाल हुआ है उड़ीसा में, क्योंकि पटनायक ने अपने बाद एक लेफ्टिनेंट को तैयार कर लिया था, और लेफ्टिनेंट के दरबार में ही सब रिपोर्ट करते थे। और नीतीश कुमार में नीतीश कुमार सुनिए मेरी बात, नीतीश कुमार के दरबार में कई लेफ्टिनेंट है, एक लेफ्टिनेंट नहीं है, कई लेफ्टिनेंट है। नहीं, मैंने सुना है ऋषि जी कि पत्रकारों में नीतीश कुमार ऋषि मिश्रा पे बहुत भरोसा करते हैं, क्या सच्चाई है? अब नीतीश कुमार बताएंगे और मेरे आत्मा ही जानता होगा क्या बताया आपको हम आपकी आत्मा और अंतरात्मा के ऊपर परमात्मा है, वही छोड़ देते हैं इस सवाल का जवाब। लेकिन बिहार की राजनीति में बहुत कुछ खिचड़ी पक रही है, इस तरह की जो शर्त रखी गई है, इस शर्त का सीधा मतलब है कि कांग्रेस को एक हलवा शर्त दिया जाना कि भाई जिसे मानने में कांग्रेस को खुशी महसूस हो। इस तरह की शर्तें क्यों रखी गई है? शर्त के रूप में ऐसी बात कहने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी और राजद को समान रूप से तंज या प्रेम दोनों का प्रदर्शन करने के लिए आज श्रवण कुमार क्यों आए? इस सवाल का जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिलेगा। अभी भादो का महीना चल रहा है, औपचारिक रूप से भादो में तो नहीं मिलेगा, लेकिन मिल सकता है, लेकिन भादो में भी मिल सकता है, कौन जाने। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देके शपथ लेना होगा तब नहीं मिलेगा, लेकिन बर्खास्त करके दूसरे का समर्थन लेना होगा, एक को भगा के दूसरे को लाना होगा, जिस तरफ आज इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह रहे थे श्रवण कुमार, तब तो कुछ भी संभव है। क्या भादो, क्या सावन, क्या पितृपक्ष, सब कुछ संभव है। लेकिन सबसे बड़े मुहूर्त निकालने वाले तो सियासत में ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ हैं, हमारा सौभाग्य है। 9 अगस्त 2022 का मुहूर्त इन्होंने ही ट्विटर पर निकाला था, और अब बिहार विधानसभा भंग होने का मुहूर्त भी यही निकाल रहे हैं। तो देखते जाइए ऋषि जी आगे आगे क्या कराते हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री की पार्टी जो आज शर्तों के रूप में बातें रख रही है, वो हकीकत के रूप में कब अपनी बातों को सार्वजनिक रूप से रखना शुरू करती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आज आप कह सकते हैं कि पहली अनौपचारिक पहल कर दी गई है श्रवण कुमार के माध्यम से। पहली बात कि श्रवण कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, यही बड़ी चीज थी कि पार्टी के मैटर पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, सीनियर नेता होते हुए भी। जरूर कोई बड़ी बात कहलवानी थी तभी उन्हें भेजा गया, इस बात से तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता। क्या बात कहलवानी थी वो ऋषि जी ने सबको बता दिया। देखते चलिए क्या होता है आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में। जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।